कितने हो गए हैं? 22 है ना? शेयर हो गया स्क्रीन? यस सर। यहाँ पे हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सर्किट, है ना? लॉजिक सर्किट यस वन, सर। यस सर। सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो पहला नंबर कि लॉजिक गेट होता क्या है ना? तो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हम टिपिकल आउटपुट सिग्नल को देखते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इनपुट का सिग्नल दे रहे हैं। आउटपुट सिग्नल ऑलवेज जो होता है इनपुट सिग्नल पे डिपेंडेंट होता है। कोई भी उसका बुलियन ऑपरेशन होगा तो वो इनपुट के अनुसार ही होगा। और उसका बेस्ट बेस जो होता है गेट्स का बेसिक लॉजिक जो एलिमेंट्स होता है वो सिग्नल होता है वन और जीरो के रूप में। या तो वन सिग्नल देगा या जीरो सिग्नल देगा। तो वन और जीरो के ही सिग्नल्स में ये काम करता है, ठीक है? इसमें ग्राफिक सिंबल भी होता है और ग्राफिक सिंबल के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उसी के बारे में एक बार फिर से उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये सिंबल दिया हुआ है, नोटेशंस एंड ट्रू टेबल फॉर डिफरेंट लॉजिक गेट्स। ये जो लॉजिक गेट्स हैं उनका जो है ट्रू टेबल्स भी है और उसका ग्राफिक सिंबल भी है। ग्राफिक सिंबल जो होता है, जैसे फर्स्ट जो है नॉट, देखो ए जो है ए का नॉट होगा, मतलब कि जो ऑफ आउटपुट होगा वो एफ के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ देखो एक सिंबल जो दिया है नॉट का, तो ए नॉट एफ, मतलब कि जहां ए का वैल्यू होगा वहां ए नॉट हो जाएगा और जहां ए नॉट होगा वहां ए हो जाएगा। जैसे जहां जीरो होगा वहां वन हो जाएगा, जहां वन होगा वहां जीरो हो जाएगा। ये ग्राफिकल नॉट सिंबल में यूज होता है। दूसरा मैंने बताया था एंड, एंड ऑपरेट, एंड का जो होता है एंड जो गेट्स होता है एंड का यूज किसके लिए करते हैं? हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं, मतलब कि ए इंटू बी। अब यहां पर देखो उसका ट्रुथ टेबल्स में दो वेरिएबल है ए एंड बी। ए एंड बी में हम शुरू क्या कर रहे हैं? जीरो से शुरू कर रहे हैं। जीरो के बाद वन होता है, वन के बाद टू होता है और टू के बाद थ्री होता है। अगर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जीरो होगा, जीरो से वन मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जीरो होगा, वन से जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा और वन से वन में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वन होगा। इसी तरीके से और गेट के लिए हम यूज कर रहे हैं। और गेट में यहाँ पर ए और बी वेरिएबल है
और इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। एफ इक्वल, देखो इसका सिंबल देखते जाना, नॉट का सिंबल ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। अगर नॉट के लिए यूज करेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे, एंड के लिए यूज करेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे, और के लिए यूज करेंगे तो ये सिंबल्स को यूज करेंगे, ए प्लस बी। यहाँ पर जो है नैंड गेट लग गया, मतलब कि ये जो नॉट गेट है वो एंड के आगे में लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। नैंड गेट का मतलब कि एंड का जो आउटपुट आ रहा है उसका ठीक अपोजिट होगा, मतलब अगर वो मल्टीप्लाई करके अगर जीरो हो रहा है तो वहां वन हो जाएगा, जहां वन हो रहा है वहां जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एफ इक्वल ए मल्टीप्लाई बी नॉट, ए बी नॉट, एफ इक्वल टू ए बी नॉट होता है। अब कैसे, ए और बी जो है एंड में अगर जीरो जीरो करोगे तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर जीरो की जगह पे वन हो जाएगा। सेम जीरो और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, अगर इसका एंड में अगर हम यूज करेंगे तो नैंड में यूज करेंगे तो वन हो जाएगा। वन जीरो मल्टीप्लाई जीरो होगा, लेकिन इसका नैंड में यूज करेंगे तो वन हो जाएगा। सेम यहाँ पर है, उसी तरीके से नॉर है, एक्सक्लूसिव और में जो होता है यहाँ पर जो है नॉर में भी वही होगा, ए प्लस बी को जैसे ही इक्वल होगा, जैसे जीरो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो और जीरो जीरो होगा उसका आउटपुट, लेकिन नॉर में वन हो जाएगा। उसी तरीके से जीरो और वन है तो वहां आउटपुट वन होगा, तो वन के जगह पर यहाँ पर जीरो होगा नॉर में। उसी तरह वन जीरो वन होना चाहिए तो नॉर में जीरो होगा, और वन 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 होना चाहिए तो यहाँ भी जीरो होगा। ये होता है नैंड और नॉर। एक्सक्लूसिव और जो होता है इसका सिंबल ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है। एक्सक्लूसिव और में जो सिंबल का यूज करते हैं, इसमें ये सिंबल का ग्राफिकल सिंबल होता है, ए इंटू बी इसका एफ, इसको जो है डिनोट करते हैं। तो देखो ए इंटू बी नॉट, ए नॉट इंटू बी, या ये इस सिंबल्स में हम इसको यूज करते हैं, ए प्लस और ये ब्रैकेट में सर्कल में और बी। अब इसमें क्या होता है, इसका आउटपुट जो होता है जहां सेम रहेगा वहां जीरो होगा, जहां अपोजिट होगा वहां वन होगा। तो देखो जीरो जीरो है तो जीरो होगा, लेकिन जहां ये जीरो और वन है तो यहाँ वन हो जाएगा, वन जीरो है तब वन हो जाएगा, मतलब सेम नहीं होगा उस कंडीशन में वन हो जाएगा। अगर जहां कंडीशन सेम हो, जैसे जीरो जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा, वन वन हुआ तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर जीरो और वन का कंडीशन या वन और जीरो का कंडीशन है तो उस जगह पे वन हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर हो गया, एक्सक्लूसिव नॉर हो गया, तो जो कंडीशन चेंज होता था कि जीरो 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 होगा वहां पर वन हो जाएगा, अजा अपोजिट होगा वहां पर वन होता था वहां जीरो हो जाएगा, उसी तरह वन वन की जगह जीरो होता था वहां वन हो जाता है। तो ये सारे जो है ये लॉजिक गेट्स का यूज होता है आपको सर्किट के ड्राइंग में। समझ आ गया सभी को? यस सर। हेलो, हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर में? नहीं सर, नो सर। हाँ तो उसके बाद हम लोग आते हैं लॉजिक सर्किट के बारे में। ये सिंपल सा सर्किट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है, सिंपल सर्किट है जिसको कि हम बुलियन फंक्शंस के द्वारा लॉजिक सर्किट का यूज कर रहे हैं। इसमें बेसिक गेट्स का यूज है। बेसिक गेट्स का मतलब है कि क्वेश्चंस जो दिया है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चंस है एफ ए बी सी, ये तीन है, और एफ ए बी सी इक्वल है ए नॉट मल्टीप्लाई बी प्लस सी। हमको इस चीज को, इस बुलियन फंक्शन को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? ए नॉट इंटू बी प्लस सी, उसे सी को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर देखो ये इनपुट्स है, इस ट्रूथ टेबल में ध्यान दो कि यहाँ पर ए बी सी है ना, ये तीन वेरिएबल है, तो ये तीन वेरिएबल है तो कहाँ तक जाएगा? जीरो टू सेवन तक जाएगा, जाएगा ना? हाँ सर। ये हाँ, अब ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, ए नॉट मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ए नॉट क्या होगा, जीरो का वन हो जाएगा, और वन इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, अब प्लस जीरो यानी कि यहाँ पर जीरो हो जाएगा, होगा ना? यस सर। उसी तरीके से सेकेंड में आओगे तो ए नॉट का वन हो जाएगा, बी का जीरो होगा, तो वन जीरो मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो, अब प्लस वन,
तो यानी यहां पर वन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है उसी तरीके से यहां पर है जीरो का वन हो गया, वन इंटू वन वन और प्लस जीरो यानी कि वन हो जाएगा। फिर यहां है वन इंटू वन है ना, तो यहां तो वन हो जाएगा अब प्लस वन यानी कि टू होना चाहिए, लेकिन इसका टू का तो कोई सिंबल नहीं दिया है, कैरी नहीं दिया है, आगे में एड्रेस में दिखाएगा, तो यहाँ पर वन दे दिया। सेम थिंग है वन तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो, उसी तरह से वन का जीरो जीरो इंटू जीरो प्लस वन वन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो इंटू वन जीरो प्लस जीरो जीरो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो इंटू वन जीरो प्लस वन इंटू वन। कैसे बना ये ट्रुथ टेबल आपका क्लियर हो गया? हाँ सर। अब ये आता है कि हमको ये सर्किट को ड्रा करना है, ये सिंपल सा, ये प्रीवियस क्लास में भी पूछ रहे थे लोग कि ये सिंपल जो सर्किट होगा लॉजिक सर्किट को हम कैसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट जो है हमको इसको देखेंगे, ये जो ब्रैकेट्स है इसको देखेंगे, ए नॉट इंटू बी को देखेंगे। तो पहला क्या काम होगा, ए को नॉट में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए को नॉट सिंबल से बनाते हैं, यहाँ पर नॉट सिंबल बना, ये ए नॉट हो गया, हो गया हुआ ना सर। ये जो और ये बी को अगर हम यहां से ले जाते हैं तो कह रहे हैं ए नॉट इंटू बी, यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेटर का मतलब कि जो लॉजिक गेट्स का यूज होगा यहाँ पर एंड का यूज होगा, तो यहाँ पर एंड का यूज होगा ए नॉट इंटू बी। अब कह रहा है कि ये प्लस सी है, तो फिर हमको क्या करना होगा कि इस सी को लेकर और यहाँ पर क्या हो जाएगा और गेट्स का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए नॉट इंटू बी प्लस सी। तो ये सिंपल सा जो बेसिक जो लॉजिक गेट्स बनता है, लॉजिक सर्किट बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। समझ आ गया सभी को? हाँ सर। सर हाँ, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आप लोग तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये एकदम सिंपल सा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, चेक योर प्रोग्रेस, अगर नहीं समझ आएगा तब आप आंसर में जाइएगा, है ना, ये सिंप्लीफाई करना है, ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं, है ना, तो इसको पहले क्या कीजिएगा कि चेक योर प्रोग्रेस में खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, अगर नहीं बनेगा तो इसके चेक योर प्रोग्रेस के आंसर्स को देखिएगा, ये चार पांच हैं, इन सभी को यूज करते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल सा लॉजिक सर्किट को ड्रा किया जिसको कि हम कहते हैं ए नॉट इंटू बी प्लस सी, यही था। यस सर। हाँ, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। ये जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड सर्किट, ठीक है, इंटरकनेक्टेड सर्किट्स ऑफ गेट्स, गेट्स का जो है इंटरकनेक्टेड सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। इसमें जो होता है कि इनपुट वैल्यू पे ही इसका आउटपुट डिपेंड करता है और ये सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है जिसके द्वारा हमारा एक सर्किट बनता है। आप कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नेटवर्क ऑफ गेट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो रिप्रेजेंट करता है गेट्स के नेटवर्क को, देयरफॉर कैन बी एक्सप्रेस बाय ए ट्रूथ टेबल और ए बुलियन एक्सप्रेशन, या तो उसको बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा या ट्रूथ टेबल के द्वारा उसको दिखाया जाता है। आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज रिलेटेड टू इट्स इनपुट, इसके इनपुट पे ही इसका सर्किट का आउटपुट डिपेंड होगा, अगर जो इसका इनपुट सही रहेगा तो उसके आउटपुट को वो दिखाता है। जैसे यहां पर जो दिखाया है टू लेवल्स का है, एक एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा है और दूसरा ऑन ऑपरेटर और ऑपरेटर का, पहला क्या हो गया एक्स और वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई हो गया, नीचे में देखो एक्स नॉट वाई नॉट उसको किया, और गेट से करेगा तो क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन सर्किट एक्स वाई
प्लस एक्स नॉट वाई नॉट, इसको हम कहते हैं टू लेवल एंड और कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ सर। यस सर। चलो तो ठीक है, तब मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, के मैप के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में हम कुछ बता रहे थे आप लोगों को, उसी का नेक्स्ट स्टेप है। इसको कहते हैं कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसको क्या कहते हैं? कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो होता है ये टू फॉर्म्स में होता है, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई होता है और प्लस होता है, फिर मतलब उस प्रोडक्ट के का सम हो गया, है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में देखो ए इंटू बी नॉट प्लस ए नॉट इंटू बी नॉट, ये दिमाग में हमेशा रखिए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में जो होता है ए नॉट ए मल्टीप्लाई बी नॉट प्लस ए नॉट मल्टीप्लाई बी नॉट, देख रहे हो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम को क्या कर रहे हैं? ए नॉट प्लस बी नॉट, ए नॉट प्लस बी नॉट। अब वहां पर देखो पहले ब्रैकेट में क्या था? मल्टीप्लीकेशन था, अब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और फिर ब्रैकेट के बाद क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में ये डिफरेंसेज हैं। यहां पर कह रहा है कि एक मीन टर्म या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। अब रिप्रेजेंट कैसे करता है मीन टर्म को या स्टैंडर्ड मैक्स टर्म को, तो इसके लिए ये सिंपल सा एग्जांपल पहले हम देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सर मीन टर्म और मैक्स टर्म थोड़ा यानी समझा, मैं अभी समझा रहा हूँ बाबू, अभी समझा रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मीन टर्म क्या है और मैक्स टर्म क्या है, है ना। मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का जो है ये जब ये हम बना रहे हैं तो यहाँ पर देखो कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मीन टर्म पर आता है। कौन सा पे आता है? मीन टर्म पर आता है। मीन टर्म्स का मतलब है कि वन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, याद रखो वन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन है और जो उसका वेरिएबल्स का वैल्यू पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये मीन टर्म का एग्जाम्पल है, ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए नॉट बी नॉट मल्टीप्लाई सी प्लस ए इंटू बी। ये समझ रहे बातों को, मीन टर्म का इस एग्जाम्पल को, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट को हम मीन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? मीन टर्म से। ठीक है, अब समेशन के समय जो वैल्यू हमारा आएगा वो प्रोडक्ट किससे हमेशा कम ही रहेगा, इसलिए उसे हम लोग जब भी एसओपी कर रहे हैं तो उसे हम लोग एज अ मीन टर्म डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर सिंपल सा ये देखो, इन एडिशंस में ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में विल बी वन वाली इफ ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ए बी सी का जो मीन टर्म का होगा will have zero value. Zero value कैसे हो जाएगा? तो a not into b not multiply c, ठीक है, तो यहाँ पर a not zero हो जाएगा, b not zero हो जाएगा, अगर c जो है one हो जाएगा। अगर इसका value अगर हम zero रखते हैं तो यहाँ पर one हो जाएगा, यहाँ one हो जाएगा और यहाँ c है तो यहाँ वन ही रहेगा, मतलब कि वन इंटू वन इंटू वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अगर इसी की वैल्यू को हम वन रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू जो है मेन टर्म वैल्यू का निकाल रहा है। उसी तरह मैक्स टर्म वैल्यूज में क्या हो जाता है, मैक्स टर्म इज ये, वहां पर जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे सम ऑफ प्रोडक्ट को कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम को। ठीक है, प्रोडक्ट का हम सम कर रहे हैं, वहां पर क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है
और यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ सम, यही डिफरेंसेज है। यहाँ एक जगह है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरी जगह है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो जहां सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज हो रहा है वहां मीन टर्म का यूज हो रहा है, जहां प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज हो रहा है वहां मैक्स टर्म का यूज हो रहा है। अब उसका वैल्यू कैसे चेक होता है ये देखो। यहां पर देखो ये जो है डिफरेंस मीन टर्म और मैक्स टर्म, वेयर इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जहां ये वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। यहां पर जो है मीन टर्म को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एम का जो है स्मॉल लेटर है, और जहां मैक्स टर्म का यूज कर रहा है वहां एम का कैपिटल लेटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है यहां पर कुछ नहीं, यहां पर थ्री वेरिएबल्स को लिया है और मीन टर्म और मैक्स टर्म को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स टर्म एंड मीन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल्स। जहां मीन टर्म्स का यूज हो रहा है वहां पर देखिए ये मल्टीप्लिकेशंस का यूज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है। अब मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, यहाँ पर एक ध्यान रखना कि मीन टर्म में जो यूज हो रहा है जहां जीरो होगा वहां क्या होगा? नॉट सिंबल का यूज होगा। किसका यूज होगा? नॉट का। अगर वन होगा वहां नॉट नहीं होगा। समझ रहे बातों को? मीन टर्म में क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। तो अगर जीरो है यहाँ देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू जीरो है और सी का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नॉट, बी नॉट और सी नॉट। ये क्लियर है? ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट क्यों हुआ? सर तीनों जीरो है। यस, लेकिन अगर यही चीज अगर मैक्स टर्म में यूज करोगे, कहां मैक्स टर्म में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो सिंबल नॉट का था, जहां जीरो जीरो होगा वहां पर नॉट का यूज नहीं होगा। देखो समझ रहे बातों को? हाँ सर, जो यानी मीन टर्म का होगा उसका ऑपोजिट ही मैक्स टर्म में जाएगा। यस, तो मीन टर्म में अगर नॉट है तो मैक्स टर्म में नॉट नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर मल्टीप्लिकेशंस का जो ऑपरेटर यूज हो रहा था मल्टीप्लाई का, यहाँ पर किसका यूज होगा? प्लस का, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया मीन टर्म एंड मैक्स टर्म में क्या डिफरेंसेज है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू को? सेम चीज यहाँ पर देख। हाँ बोलिए। हाँ सर क्लियर हो गया, आपने पूछा ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर भी है ए नॉट बी नॉट सी, यहाँ ए नॉट बी नॉट सी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ जीरो जीरो है तो ए बी प्लस सी नॉट। उसी तरीके से ये सारे वो ये टेबल्स बने हुए हैं। उसी तरीके से सर पूछ रहे थे ये मीन टर्म मैक्स टर्म, ठीक है, ये लॉजिक सर्किट्स में मेनली हमारे काम आते हैं, मतलब जो हमारे मदरबोर्ड्स हो गए या कुछ भी हो गया जहाँ पर चिप्स सर्किट्स लगते हैं, तो वहां पर मेनली ये इनका यूज रजिस्टर्स या स्टोर करने के लिए, या एडर में, हाफ एडर में, फुल एडर में, मल्टीप्लेक्सर में, डिकोडर में, रजिस्टर्स में, ठीक है। तो मल्टीपल्स जगह इस लॉजिक सर्किट जो बनेंगे इसी के आधार पर वो सारा चीज रैम रोम, ठीक है, ये सारे चीज जो है इसी सर्किट पे होंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसी के द्वारा ये सारे चीज, क्योंकि ये सर्किट जो है आपका, इसके द्वारा आप कोई भी रजिस्टर या कोई भी गेट्स बनाते हैं, रजिस्टर बनाए या वो कोई भी सर्किट सर्किट को बनाने का ही मतलब होता है, या रजिस्टर्स को हम बनाते हैं तो क्या होता है? स्टोर द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बना रहे हैं, है ना। किसी भी चीज को हम स्टोर करने के लिए बनाते हैं तो वो हमारा रजिस्टर में ही स्टोर होगा। आगे जब तुम असेंबली लैंग्वेज का भी प्रोग्राम बनाओगे तो डायरेक्ट नहीं होगा, कोई भी नंबर्स वैल्यू वेरिएबल जो होगा, वैल्यू जो होगा किसी रजिस्टर में स्टोर होगा, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा, एक्यूमुलेट करेगा, है ना। हाँ सर, तो वो
उस रजिस्टर के अनुसार ही काम करता है कंप्यूटर्स में, जो भी चीज है वो स्टोर करने का ही है। विदाउट स्टोर द इंफॉर्मेशन वी कांट गेट द एनी इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि आप रिजल्ट भी आप नहीं पा सकते हैं जब तक वो रजिस्टर्स में। और उसका जो पार्टिकुलर लोकेशन होता है जिसको मेमोरी लोकेशन कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पे उस लोकेशन के अनुसार वो वैल्यू स्टोर होता है। हम और आप नहीं जानते, लेकिन वो वेरिएबल्स में जो स्टोर होता है वो आपके लोकेशन वाइज स्टोर होता है, जिससे कि वो कंप्यूटर फाइंड आउट करता है कि वेयर इज योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन विच प्लेस, किस प्लेस पर वो स्टोर हुआ है, वो सारे इंफॉर्मेशन को वो बताता है। क्लियर? अब यहाँ पर दे रहा है कि हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पर ए बी सी है ना, यहाँ पर देखो एफ का वैल्यू है, तो जो हमने बताया था और इसका मीन टर्म्स के अनुसार वो थ्री वेरिएबल्स का उसका आउटपुट दे रहा है। तो जो आउटपुट दे रहा है वहां पर ये देखो एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन। अब यहाँ पर देखोगे कि क्या लिखा है, एम वन लिखा है, एम टू एम थ्री एम सिक्स और एम सेवन दिया। ये यही क्यों दिया है, इसलिए दिया गया है कि इन प्लेस पर इसका जो आउटपुट आया है वन आया है, जिसका आउटपुट वन आया है उसको यहाँ पे दिखाया है ना मिन टर्म में। तो यहाँ पर देखो वन के पोजीशंस पे वन आया है, टू के पोजीशंस पे वन आया है, थ्री के पोजीशन पे वन आया है, सिक्स के पोजीशन पर वन आया है, सेवन के पोजीशन पर वन आया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी सी, ए नॉट बी नॉट सी, ए नॉट बी सी नॉट, ये मिन टर्म निकाला है, ए नॉट बी सी ए बी सी नॉट और ए बी सी कैसे निकला है ये भी आपको पता चल गया है। और इसको जो सिग्मा वन टू थ्री सिक्स सेवन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, बोले तो वो जो आउटपुट निकला है एफ में वो कैसे निकला है, अभी इसको ऊपर दिखाया था आपको, आप लोगों ने आपने ध्यान नहीं दिया था। नहीं सर, कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि अगर ए बी सी जो हम लोग लिख रहे हैं तो जीरो 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 हो रहा, तो ए नॉट बी नॉट सी नॉट लिख रहे हैं। देख सको, अभी अभी मैं आता हूँ उस पे, वो ऊपर से ही आया है ना, ये जो क्वेश्चन था ना, नॉर्डिक सर्किट का वो एग्जांपल है। एक्चुअली क्या होता है ब्लॉक में जो होता है ना वो जो, ये देखो यहाँ पे यही चीज है, ठीक है, यहाँ देख रहे हो ए नॉट इंटू बी प्लस सी है ना। हाँ, इसी का वहां पर मीन टर्म निकालना है। अब वो उसने पूछा कि वहां पर वन कैसे आया है, जीरो कैसे आया, तो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने बताया था ना ए नॉट इंटू बी प्लस सी, तो ए नॉट मतलब जीरो का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो यानी कि जीरो, यही चीज वहां पे आया है मीन टर्म में, ठीक है। सर और एक चीज बोल रहे थे वहां पे 101 नीचे में जाइए, 101 में आउटपुट आया 1 लेकिन नीचे वाले में 0 दिया हुआ है। रुको एक मिनट, उसको मे भी ब्लॉक भी गलत हो सकता है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 101 दिया है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 होगा। हाँ और यहाँ पर देखो 1 जो है, 1 का ए नॉट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो, आप प्लस जीरो जीरो, यहाँ जीरो होगा। हाँ और यहाँ पर तो क्लियर है। हाँ सर, ये वाला चार्ट का नीचे वाले हिस्से में जाइए, वहाँ पे तब एरर लग रहा है। हाँ तो रुको, वहाँ भी हम सॉल्व करते हैं ना। ये एक तरह से लिटरेचर जैसा है ना, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, यहाँ ये देखो क्वेश्चंस जो है ए बी सी प्लस ए नॉट बी नॉट सी है, ए इंटू बी है, वी हैव थ्री प्रोडक्ट टर्म्स है ना, ए नॉट बी नॉट सी
and AB, but only first two of them qualifies to be a mean term. Third one does not certain variable C. C नहीं है, इसलिए उसका C वाले का नहीं निकालता है ना? तो यहाँ पर कह रहा है, in addition the term A, B, C will be one only if A equal to one. ध्यान दो, A equal to one, B equal to one और C equal one. ये तीनों का वैल्यू जो होगा वन होगा. For any other combination value, ABC the mean term, ABC will have zero values, है ना? अगर ABC have zero value, ठीक है? अगर one नहीं, ABC का value अगर zero हो, then A not, B not into C, तो zero का क्या हो जाएगा बाबू? One. फिर zero का one और C जो हो गया one. तो A into B into C, one into one, one into one, यानी के will have value one होगा. अगर if A equal to one, B equal to one और C equal to one, है ना, then क्या हो जाएगा? A not है तो one का zero होगा, B का zero होगा और C का one होगा. लेकिन अगर ये तीनों को multiply करोगे तो उसका value क्या हो जाएगा? Zero. जीरो. ये है मीन टर्म वैल्यू. मैक्स टर्म में क्या कह रहे हैं? मैक्स टर्म में कह रहा है कि सिमिलर टाइप ऑफ टर्म यूज इन पीओएस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. इसको हम मैक्स टर्म कहते हैं या स्टैंडर्ड सम कहते हैं. मैक्स टर्म इज टर्म POS expression, all the variable of the functions is true completed complemented form. यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है? A B C, A plus B plus C multiply A not plus B not plus C. अब यहाँ पर कह रहा है two max term है. एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ, देख रहे हो? अच्छा. है ना? अब यहाँ पर कह रहा है कि मैक्स टर्म हैज अ वैल्यू जीरो. मैक्स टर्म में अगर उसका वैल्यू जो है जीरो है, ध्यान रखो उसका मैक्स टर्म वैल्यू जो है जीरो है, तो उसका कॉम्बिनेशनल इनपुट क्या होगा? तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वैल्यू जीरो होगा. और ऑल अदर्स थिंग में यहाँ पर जो है ए नॉट अगर वन हुआ और जीरो हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा इसका. लेकिन अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो उसका जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू वन है, तो वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो होगा. हाँ, जीरो इनटू, हाँ जीरो, जीरो एंड वन जीरो ही होगा. हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैक्स टर्म में ए प्लस बी प्लस सी विल हैज वैल्यू जीरो, देन ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो. लेकिन यहाँ पर जो होगा ए बी सी का वैल्यू जो होगा वन होगा. क्यों? ए नॉट वन हो जाएगा, बी नॉट वन हो जाएगा और सी जो है जीरो है. तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन यानी वन हो जाएगा. समझ रहे हो बातों को? यस सर. हाँ सर. ये हो गया अब मैक्स टर्म और वो हो गया मिन टर्म. इसी चीज को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट किया है. इसको तो हमने वो सर्किट का वो जो बताया है वो बना है, और इस वैल्यू को जो बनाया है और गेट से. यहाँ पर देखो, ये यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये देख रहे हो ऊपर में देखो. यहाँ 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 हमने क्या किया कि M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 ये मीन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है? आप कहोगे कि ये कहां से आया, तो इसके लिए ये देखो A नॉट, B नॉट, C नॉट है, होगा ना? यस या नो बोलो. हाँ सर. हाँ सर. तो और यहाँ पर जीरो 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 है. हाँ, जीरो 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 है. ठीक. तो यहाँ पर जीरो 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 लिखेगा. अब ए नॉट बी नॉट प्लस सी नॉट अगर तीनों होगा तो जीरो 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 ही होगा ना. हाँ हाँ, ये ठीक है सर.
अगर जीरो जीरो वन होगा तो यहाँ वन होगा ना, ये सर ए और बी तो जीरो है तो ए नॉट बी नॉट तो वन वन हो जाएगा, तो वन 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 रिजल्ट में वन देगा। ठीक, देखो इसीलिए मैंने वो पहले बता दिया था कि वो टर्म्स ऐसे यूज होगा, है ना। इसको और भी लॉजिकली हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि ये कैसे आया, ये तो समझ आ गया सभी को। अब इसमें कह रहा है कि f का पोजीशन जहां जहां वन है उसको उस टर्म को यहाँ पर ऐड कर रहा है। किसको? जैसे f का वैल्यू वन है तो कहाँ पे है? m1 पे है, है ना। f का वैल्यू m2 पे है, f का वैल्यू m3 पर है, f का वैल्यू m6 पे है, f का वैल्यू m7 पर है। m1, m2, m3, m6 और m7, इसका जो रिजल्ट आया m सिग्मा 1, 2, 3, 6, 7, ठीक है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, ठीक। अब इसको अगर इसको देखो सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व हो रहा है ना। अब इसको डी मॉर्गन रूल्स आता है, आपके ब्लॉक में दिया होगा, है ना। जैसे ए ए प्लस ए नॉट, है ना, इस टाइप से डी मॉर्गन रूल है। ए ए प्लस ए इंटू ए नॉट, तो ये सारे डी मॉर्गन रूल्स में आता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो कि ये डी मॉर्गन रूल्स के थ्रू जो ऊपर में क्वेश्चंस था, है ना, ये किसका कर रहा है? ये मैक्स टर्म का कर रहा है, मेन टर्म का नहीं कर रहा है, मैक्स टर्म का कर रहा है। कि मैक्स टर्म्स जो हमने ऊपर आपको समझाया, है ना। हाँ सर, तो मैक्स टर्म का था, साइन भी अलग था, अब तो मीन टर्म का साइन। लेकिन यहाँ पर जो नीचे दो दिया है ना, मेरे ख्याल से मीन टर्म लिख दिया, लेकिन इसको सिंबल्स को जैसे ही चेंज किया ना, जैसे मीन टर्म को मैक्स टर्म में उसको दिखाना है, दिया है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन एफ कैन बी ऑब्टेन्ड रिंग ऑफ द मीन टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशंस दैट प्लेस अ जीरो आउटपुट इन फंक्शन। दस इफ यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, इफ नॉट वी गेट द फंक्शन इन मैक्स टर्म। अगर वो मीन टर्म है, अगर उस पर हम नॉट का सिंबल का यूज करते हैं तो वो मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? मैक्स टर्म में हो जाता है। तो यहां पर देखो कि नॉट जैसे ही लगाया, ये देख रहे हो ये टोटल पे, तो ये ए नॉट बी नॉट सी नॉट, ए बी नॉट सी नॉट, ए बी नॉट सी, तो इसके ऊपर जो नॉट का सिंबल लगा दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मैक्स टर्म में। समझ रहे बातों को? नॉट जैसी किया, ये सॉल्व करने का है, वो ऊपर वाला मीन टर्म में सॉल्व हुआ, ये जो हो रहा है मैक्स टर्म में सॉल्व हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही नॉट लगाया तो क्या कर रहा है ये, यहां पर देखो, ये ध्यान से देखना, यहां पर जो है ये मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस है, है ना। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक कर रहा है तो ये जो बीच वाला जो प्लस है वो किसमें चेंज हो गया? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में, समझ आ गया यहां तक? अब डी मॉर्गन ला कहता है कि आप जैसे ही दोनों नॉट को हटाइएगा, नॉट नॉट हट जाता है ना। हाँ सर, यस सर। हाँ, तो नॉट नॉट जैसे ही हटा तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो प्लस वाला था यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन का जो है वो प्लस में चेंज हो गया, और बीच वाले जो है मल्टीप्लीकेशन में ही है। तो यहाँ पर देखो ए प्लस नॉट 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 तो हट गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ पर दो पे नॉट है तो ये तो नॉट नॉट हट गया, लेकिन ए पर जो है एक सिंगल नॉट है तो वो सिंगल नॉट को दिखा रहा है। उसी तरह थर्ड वाले में देखोगे बीच वाले पे डबल नॉट है, बाकी पे नहीं है, तो वहां पर क्या है? ए नॉट प्लस सी नॉट। समझ रहे बातों को? यस सर। अब यहां पर कह रहा है कि ये किस टर्म में है, एक मिनट, ओ या अब
अब यहाँ पर कह रहा है कि ये किस टर्म में है, यानी कि ये मैक्स टर्म में है। तो यहाँ पर ये देखोगे ए प्लस बी प्लस सी किसका वैल्यू होता है, जीरो का वैल्यू होता है, तो यानी कि एम जीरो। ए नॉट प्लस बी प्लस सी ये किसका होता है, फोर का होता है, तो एम फोर। ए नॉट प्लस बी प्लस सी नॉट ये एम फाइव का पोजिशन, यानी कि ये उसका सिंबल है मैक्स टर्म का, 0 4 5। ये कैसे आया, ये समझ आया आप लोगों को? हाँ सर, तो इसको हम कहते हैं मीन टर्म और मैक्स टर्म। मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे और मैक्स मीन टर्म कैसे निकालेंगे और मैक्स टर्म कैसे निकालना, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हो गया? हाँ हाँ सर, ओके सर, हाँ तो इसको, करना हाँ बोलो। होगा सर, मैं क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल बेस तो नहीं लग रहा नहीं तो इसको करोगे ना, इसमें। बनाओगे तो मैं तो समझाऊंगा ही ना, इसको ओके तो सर, आपको करना ओके। ही होगा ना विदाउट। अगर आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, अगर इसको आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऑन बोर्ड भी मैं आपको बता सकता हूँ, ओके सर, अगर आपको फिर से बताना है कि समझ आ गया। नहीं सर, अभी समझ में आ गया, करने आ पर गया तो ऑन इसको बोर्ड। सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो हाँ आपका हाँ पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके सर, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो मैं अभी दो चार क्लास और है इसको, अगर ओके सर, आपको नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं इसी पे सारा चीज है आपका, ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको जो लॉजिक सर्किट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट के लिए एक बहुत जरूरी है मीन टर्म मैक्स टर्म, है ना। ओके सर, अब उसके बाद आता है मिनिमाइजेशंस ऑफ गेट्स। मिनिमाइजेशंस ऑफ गेट्स में जो होता है इसमें बुलियन एक्सप्रेशंस को जितना सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करिए, है ना, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके थ्री टाइप्स होते हैं, मिनिमाइजेशंस ऑफ गेट्स को मिनिमाइज करने के लिए तीन टाइप से हम यूज करते हैं। एक तो होता है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस, दूसरा मैं प्रीवियस क्लास में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था के मैप के बारे में, कर्नौक मैप के बारे में, और थर्ड जो होता है क्वाइन मैक्स मैकलुस्की मेथड। क्वाइन मैक्स लुस्की मेथड, इन तीन मेथड के द्वारा गेट्स को हम मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ गेट्स। हमने कहा कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट अभी प्रीवियस में यूनिट में हम लोग समझ रहे थे, अब हम लोग जो बने यूज कर रहे थे उसके बाद हमने क्या किया, अलजेब्रिक का किया, POS SOP, है ना। तो यहाँ पर जैसे एक यूज हो रहा है कंसीडर द फंक्शंस, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस है एफ ए बी सी, ए बी नॉट सी नॉट, ए बी नॉट सी, ए नॉट बी। अब इसमें क्या है, ये सिंपल सा कॉम्बिनेशनल सर्किट को ड्रॉ किया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये समझ आ रहा है कैसे हो रहा है। हाँ सर, हाँ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको जो होता है ना इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसी के अनुसार आपका ये बनेगा, जितना इसमें प्रैक्टिस रहेगा ये कॉम्बिनेशन सर्किट में, क्योंकि ड्रॉ करना है ना तो इसको बनाइए सेल्फ, ये कैसे है बहुत सिंपल है, आपको तो सामने भी है, अब उसको बनाइए। अगर इसी चीज को कॉम्बिनेशनल सर्किट को इसको मिनिमाइज करते हैं तो इस तरीके से बनेगा, अब पूछिएगा क्यों। यहां पर जो है ये देख रहे हो और ये देखो, इसमें बहुत सा डिफरेंसेज है ना, हाँ सर, ऊपर वाला और नीचे वाले में देखोगे सेम है, ए बी नॉट सी नॉट, ए बी नॉट सी, ए नॉट बी, है ना। तो यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशंस का यूज किया है, यहाँ पर जैसे वो जो यूज किया है उसमें देखो, और ऊपर का और नीचे का देखो, देख रहे हो, रिप्रेजेंट तो वही किया है लेकिन ये बनाने का तरीका जो है, पहले क्या किया है ए बी नॉट को किया है ना, तो ये देख रहे हो कि बी नॉट का निकाल दिया है, ए ए नॉट का निकाल दिया है, बी बी नॉट का निकाल दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ए बी नॉट
ए नॉट बी। अब ये जो टोटल्स को जो है फॉलो किया है उसके अनुसार यहाँ पे ए बी नॉट सी नॉट है ना, तो सी नॉट का तो लिया नहीं है, ये टू ही लिया, ये मिनिमाइजेशन वाला है ठीक है, ये जो सॉल्व किया है उसका है ठीक है, यानी कि ये एक्सक्लूसिव और है। आप कहोगे कि ये जो है ऊपर वाले का मिनिमाइज कैसे किया, तो ये बुलियन अलजेब्रा के द्वारा सिंप्लीफाइड किया है। सिंप्लीफाइड कैसे किया है, यहां पर देखो ए बी सी, ए बी नॉट सी नॉट है ना, यहाँ पर ए बी सी नॉट यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में देखो है ना, यहाँ पर ए बी नॉट सी नॉट लिखा, उसके बाद देखो ए बी नॉट सी लिखा था, ए बी नॉट सी लिखा, वहां पर क्या लिखा ए नॉट बी। अब यहां पर कह रहा है कि इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ये इस पोर्शन को, तो अगर हम यहां पर ए और बी नॉट को कॉमन ये ले सकते हैं इन दोनों में, ले सकते हैं ए बी नॉट सी नॉट, ए बी नॉट सी इसमें कॉमन ले सकते हैं ना ए बी नॉट को, हाँ। तो सी नॉट प्लस सी, अब डी मॉर्गन रूल के अनुसार सी प्लस सी नॉट इक्वल टू वन होता है, हाँ, होता है हाँ सर, रूल है हाँ। तो उसके बाद क्या हो गया, ए बी नॉट ये बच गया और ए नॉट बी ये बचा, ए बी नॉट और ए नॉट बी बचा, तो ये जो जो आया ए बी नॉट और ए नॉट बी इक्वल टू एक्सक्लूसिव और में यही वैल्यू था याद है, हाँ। तो एक्सक्लूसिव और को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, यस सर, यानी कि हमारा जो मिनिमाइजेशन हुआ वो मिनिमाइज किया ए बी नॉट ए नॉट बी, और इसी का ये डिजिटल सर्किट बना ठीक है। वो वाला हो गया क्वेश्चंस वाला, और आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ सिंप्लीफाइड यूजिंग बुलियन अलजेब्रा जो सर्किट ड्रा हुआ वो ये इस टाइप से ड्रा हुआ। क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट सभी का, यस सर, हाँ सर। तो ये दोनों सर्किट आप लोग बनाइएगा, फर्स्ट वाला भी नॉर्मल वाला भी, आफ्टर सिंप्लीफाइड जो बुलियन अलजेब्रा के थ्रू है उसको भी बनाइएगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपका ड्रॉ होगा। उसके बाद जो है के मैप के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको डिस्कस किया था के मैप्स के बारे में, कर्नोव मैप्स। पहला जो हो गया बुलियन को सिंप्लीफाइड करके हम लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड है ना, सिंप्लीफाइड करने का मिनिमाइज करने का फर्स्ट मेथड जो था वो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू होता था, उसको सॉल्व करके यूज करते हैं। दूसरा मेथड जो होता है के मैप का मेथड होता है, के मैप के द्वारा हम उस मेथड को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज जो होता है के मैप के द्वारा होता है। के मैप जो होता है ये सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन से ये थोड़ा ये उसी टाइप का एक है, और ये आसान वे है, आसानी से आप हम इसका यूज कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है कि या तो टू वेरिएबल्स का के मैप बनाइए, थ्री वेरिएबल्स का बनाइए, और फोर वेरिएबल्स का बनाइए, या सिक्स वेरिएबल्स का बनाइए है ना। अगर वो टू वेरिएबल का होगा तो फोर का वो के मैप बनेगा, अगर थ्री का होगा तो एट का बनेगा, क्योंकि टू के ऊपर पावर थ्री इक्वल एट होता है, अगर फोर का होगा तो सिक्सटीन का होगा, अगर सिक्स का होगा तो वो थर्टी टू का होगा। क्लियर ये है ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए ये के मैप बना, उसका वो ट्रुथ टेबल बना हुआ है ना, ये देखिए। अब यहाँ पर है कि जीरो वन टू थ्री, मतलब कि फोर वेरिएबल्स के लिए, मतलब टू वेरिएबल्स के लिए जो होगा जीरो वन टू थ्री, मतलब कि मैक्सिमम फोर तक जाएगा। ये तो आपका कंफ्यूजन नहीं है ये कैसे बना हुआ? नहीं सर, इसी तरीके से ये प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, यहाँ तो जीरो और वन होगा, यहाँ थ्री वेरिएबल्स है, यानी कि ए है, बी है और सी है। क्लियर, ये थ्री वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये जीरो जीरो है, जीरो वन है ना,
जीरो के बाद वन आता है, वन के बाद थ्री आ जाता है। थ्री क्यों आता है, ये बीट जो है अगर चेंज करेंगे, मान लो कि इस बीट को हटाते हैं ये वाला राइट साइड का, तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब प्रीवियस मोड में आ जाएगा, यानी कि हमारी मजबूरी है इस बिट को चेंज करें। तो जीरो को इसको हटाते हैं तो वन वन हो गया, मतलब कि जीरो के बाद वन, उसके बाद थ्री होता है, उसके बाद टू होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ, उसी तरीके से ये है के मैप का फोर वेरिएबल्स का। फोर वेरिएबल्स का मतलब कि ए बी और सी डी, मतलब कि ऊपर साइड में ए बी होगा और उसके बाद सी डी होगा। तो ए बी और सी डी मतलब कि सी और डी के जगह पर, जैसे यहाँ पे जीरो, सेम कंडीशन होगा, यहाँ वन होगा, यहाँ थ्री होगा, यहाँ टू होगा, यहाँ पे होगा जीरो वन थ्री टू। अब क्या होगा कि इसका पोजिशन चेंज हो जाएगा, इसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, जीरो वन टू तब थ्री फोर फाइव सिक्स फिर सेवन, उसके बाद क्या हो जाएगा एट नाइन टेन इलेवन लास्ट में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन। ये समझ लो कैसे हो रहा है। तो वो अगर हम लोग जो नंबर्स हैं उनको अगर देखें तो नंबर्स के हिसाब से आ रहा है कि बाइनरी के हिसाब से, अगर बीसीडी के हिसाब से देखें तो जहाँ थ्री लिखा लिखा है उसके ऊपर वन वन है और साइड में जीरो जीरो है, तो वही काउंटिंग करके हमारा वो टेबल बन रहा है शायद। यस, मतलब कि वन बिट चेंज का हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जो वन बिट चेंज का है, ये देखिए लास्ट में ये ज्वाइन कर रहे हैं अविनाश कुमार। तो ये क्या है कि जीरो वन उसके बाद थ्री और टू, ये आप इसलिए कि फोर वेरिएबल का ज्यादा सॉल्व करना होता के मैम, तो ये अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा इस फिगर को, ये हमको इस तरीके से बनाना है। ठीक है। हाँ सर। सर बोल रहे थे नेक्स्ट क्लास में आप एक कार्नो मैप का मैपिंग करके दिखाइएगा ना एग्जांपल के तौर पे बोर्ड पे। ठीक है ठीक है। हाँ थोड़ा क्लियर ज्यादा हो जाए तब तक हम लोग देख भी लेंगे चीजों को। हाँ तो ठीक है, टाइम भी हो चुका है, आप लोग क्या करिएगा ना इसको रीड कर लीजिएगा, है ना, और हाँ। एक सॉल्व करके मैं आपको एग्जांपल को मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। हाँ, वो ज्यादा ठीक होगा सर। हाँ तो उसको बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से समझिएगा। हाँ। और मैं इसको सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर, मैं तब तक अगर कुछ डाउट्स हुए तो वो भी शायद पूछ सकते। हाँ हाँ, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। सर एक डाउट है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। कैन वी